नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं करेले की खेती के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के हमारे पास सुझाव आ रहे थे कि आप करेले के ऊपर भी कोई वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए ये करेले की वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि करेले का प्लांटेशन कैसे तैयार करते हैं तथा करेला की खेती किस तरीके से आपको करनी है, जिससे कि आपकी करेले की खेती में रोग कम से कम मात्रा में आए और फसल अधिक से अधिक मात्रा में निकले। क्योंकि अधिकतर किसान भाई कुछ न कुछ गलती करके करेले की फसल को नष्ट कर लेते हैं, जिसके कारण 30-35% करेले की सब्जी खराब हो जाती है और किसान भाई करेले की पैदावार ठीक से नहीं कर पाते। क्योंकि करेला भारत में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन करेले की खेती में रोग बहुत ज्यादा मात्रा में आते। उन रोगों से बचने के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। किसान भाइयों, करेले की खेती दो समय में महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। सबसे पहला जो समय आता है वो होता है बरसात का, और दूसरा जो समय आता है वो होता है सर्दियों के एंड का। इन दो समय में आप करेले की खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन बरसात के समय में यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं तो आप करेले की खेती उस खेत में करें या उस प्लाट में करें जहां पर पानी का भराव कम से कम हो। यदि पानी भरा भी हो रहा है तो वह पानी जल्दी से जल्दी खेत से बाहर निकल जाए, क्योंकि करेले की खेती बहुत ही जल्दी गलने लगती है यदि पानी भराव की स्थिति में है तो। दूसरी जो बात आती है सर्दियों के एंड की। सर्दियों के एंड में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप सर्दी तेज पड़ रही है तो आप करेले की बुवाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि करेले की बुवाई सर्दियों के एंड में की जाती है। यदि आप सर्दी ज्यादा पड़ रही है तब कर देंगे तो आपकी दो तरीके से नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान हो सकता है आपकी करेले का जो सीड्स आती है वो उगे ही नहीं, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने के कारण करेला नहीं उगता है। और दूसरा कारण उसका ये होता है, यदि आपका करेला ठीक तरीके से जमीन से बाहर निकल भी आया है तो वो पौधा ठीक से विकास नहीं करेगा, क्योंकि सर्दी और जाड़ा ज्यादा पड़ने के कारण वह अपना विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं। चलिए किसान भाइयों, और अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको जो करेले की सीड लगाना चाहते हैं, आप जो भी ब्रांडेड लेना चाहते हैं उस ब्रांडेड कंपनी की आप सीड्स खरीद सकते हैं। सबसे पहले खरीदने के बाद आपको उसको 4-5 घंटे के लिए करीब पानी में भिंगो कर रखना है, ताकि वो करेले की सीड पूरी तरीके से फूल जाए। उसके बाद आपको उस जगह पर रोपण करना है जिस जगह पर आप रोपण करना चाहें। रोपण करने के भी दो तरीके होते हैं। एक सबसे पहले होता है कि आप उसका प्लांट यानी कि नर्सरी घर पर ही तैयार कर लें, और दूसरा होता है कि सीधा आपको जिस जगह लगाना है उस जगह पे आप उसको लगा सकते हैं। इन दोनों की सेम कंडीशन और सेम प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि घर पे आपको प्लांटेशन यदि आपको करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली वाली बात, आपको कंपोस्ट लेना है, यानी कि जो गोबर की खाद होती है उसका आपको 75% लेना है, और 20% आपको मिट्टी लेनी है तथा 5% के करीब आपको पोटास और डीएपी खाद लेना है। इन तीनों का आपको मिश्रण बनाकर आपको 250 ग्राम की एक थैली आती है, पॉलिथीन आती है, आप उसको उसमें भरकर आप करेले की 4-5 सीड उसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप उसका रोपण कर सकते हैं घर पर नर्सरी के तौर पर। यदि आप इसको खेत में करना चाहते हैं तो आपको वहां पर इस तरीके से मिलाकर नहीं लगाना है, सीधा आपको पहले वहां पर एक गड्ढा खोदकर गोबर की खाद डालनी है जिस जगह आपको इसका प्लांट करना है, और आपको ये गड्ढे खोद रहे हैं उन गड्ढों का तकरीबन गैप आपको 1.5-2 फीट के करीब रखना है। तो इस तरीके से आप लाइन क्रमबद्ध तरीके से या लाइन से गड्ढे खोद लें। उसके बाद आप उसमें 1.5-1 केजी
या किलोग्राम गोबर की खाद डालें, यानी कि जो आपके पास कंपोस्ट है उसको आप उसमें डाल दें। उसके बाद आपको उसमें पोटाश डालनी है, डीएफई डालना है तथा आपको शेष बची हुई 20% मिट्टी के करीब डाल देनी है सीड लगाने के बाद। तो इस तरीके से आप अपना प्लांट लगा सकते हैं। जैसे ही आपके प्लांट को 8 से 10 दिन होंगे तो वो आपके करेले के जो सीड्स हैं वो उग कर जमीन से बाहर आ जाएंगी, यानी कि कम से कम 2 से 3 इंच हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से करेले की नर्सरी तैयार कर सकते हैं घर पर भी या फिर सीधे खेत में भी आप उसका प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी 8 से 10 दिन की फसल होगी उसमें कुछ कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे। उन कीड़ों पर आपको उस विशेष केमिकल का स्प्रे करना है जिससे कि वो वहाँ का वहीं मर जाए। तो उसके लिए आप अल्फा मैट्रीन 10 ईसी में आता है उसका आप 15 लीटर पानी में 20 ml के करीब मिलाकर स्प्रे कर दें। इससे वो लाल बीटल का जो कीड़ा है वो वहाँ का वहीं मर जाएगा, जिससे आपका पौधा पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा तथा वो एकदम विकास करेगा। तो इस तरीके से आप करेले की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हम करेले का पार्ट 2 फिर ले आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि जब आपकी फसल 1 से 1.5 महीने की हो जाएगी तो आप उसमें कौन कौन से केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए ये वीडियो की जानकारी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप मुझसे कमेंट कर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मैं उसके माध्यम से भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।